बताओ मैं क्या कह रहा था। सर आप कह रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अच्छा कुलंदर बेटा, तुम्हें जो कल लेसन याद करने को दिया था वो याद करके आए हो? नहीं सर, नहीं कर पाया। अरे क्यों नहीं कर पाए भाई? सर लाइट चली गई थी। तो क्या लाइट आई नहीं? आई थी गुरुजी, गुरुजी जैसे ही मैं पढ़ने बैठा फिर से चली गई। और उसके बाद फिर कभी लाइट आई ही नहीं? गुरुजी आई तो थी, पर मैं इस तरह से पढ़ने नहीं बैठा कि कहीं लाइट दोबारा ना चली जाए। अच्छा विकेश बेटा, ए के बाद क्या आता है? गुरुजी ए के बाद ए क्या बोलती तू? अच्छा बेटा मैं तेरी जान निकाल दूंगा, इसको जरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तेरी इंग्लिश गई भाड़ में, तुमने हाथ तो लगा के दिखा। अरे हाँ बेटा सुनील, मेरा होनहार बच्चा, सब तुम सभी में ये सबसे अधिक इंटेलिजेंट है। अच्छा बेटा सुनील, तुम मुझे ये बताओ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फर्क होता है? सर इंपोर्ट का मतलब सोनिया गांधी और एक्सपोर्ट का मतलब सानिया मिर्जा। देखो बेटा सुनील, जरा सोच समझ के जवाब दो। अच्छा अब एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती हो। सर मैंने जब उसको फोन किया उसने फोन नहीं उठाया, जब उसने मुझको फोन किया तो मैंने फोन नहीं उठाया। इससे ये शिक्षा मिलती है जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा बेटा सुनील, अब आखिरी सवाल, अगर तुम्हें मरने के बाद यमराज ये पूछे कि तुम स्वर्ग में जाओगे या नर्क में, तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? गुरु जी मैं यमराज को बोलूंगा कि पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दे, फिर मैं कहीं भी रह लूंगा, चाहे मुझे स्वर्ग भेजो या नर्क भेजो। नलायको खड़े हो जाओ, ये पढ़ाया मैंने तुम्हें आज तक? तुमने मेरा पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें आज छठी का दूध याद करा के छोड़ूंगा। तुम बच्चों के जवाबों ने तो मेरा दिमाग ही झकझोर दिया है, ये सीने में भी दर्द उठ रहा है।